अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफ़ी जद्दोजहद के बाद जी हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमने आप लोगों को दिखाने थे जी चार पाइयाँ, काफ़ी डिज़ाइन पड़े हुए हैं खूबसूरत से इसके ऊपर। और ये पड़े हैं जी पीढ़े, माशाल्लाह ये भी बड़े प्यारे हैं, ये देखें माशाल्लाह। ये पीछे पड़ा हुआ झूला, बेगम साहबा को ये वाला झूला पसंद था क्या? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई फैमिली, कैसे उम्मीद करते हैं सब खैर से, हमारी दुआ जहाँ रहे खुश रहे। तो अभी टाइम हो चुका जी पूरे 12 बज चुके हैं और आज हमारे यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं है और हमने जाना जी शहर और बच्चों को मैं छोड़ने जा रहा हूँ उसकी दादी अम्मी के पास। किधर जा रहे हो अब दादी, किधर जा रहे हो? दादी अम्मी की तरफ से। मैंने कहा वहाँ पे हम छोड़ेंगे और फिर मैं और बेगम साहब हम इजी जो है ना शहर चले जाएंगे। अभी जा रहे हैं जी उधर ही। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हों। तो जी इतनी ज़्यादा गर्मी में आप लोग देख सकते हैं कि हम कहाँ सुनसान जगह पे आके जो है ना वो पैदल चल रहे हैं। पीछे से घर से तो बाइक सही आई है लेकिन यहाँ पे आके ना बाइक जो है वो एकदम से बंद हो गई है और यकीन माने इतनी गर्मी है ना कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इन्होंने बाइक जो है ना अपने कज़न से मांगी है और ये फटीचर से इनके मत्थे लगी है बाइक, लेकिन ये आते आते रास्ते में ना बंद हो गई है। और यहाँ पे आसपास देखे ना तो कोई आपको घर नज़र नहीं आएगा। सूरज की बात करें तो ये सर को बिल्कुल सीधा लगा यहाँ पे इधर। तो जी ग्लासेस मैंने लगाए हुए हैं क्योंकि इतनी गर्मी है और आँखें जो है ना इतने दुखना शुरू हो जाती हैं और कचरा काफ़ी पड़ता है। जब मैं बीमार हुई थी ना, मेडिसिन मैंने लेनी थी, तब मैंने शहजाद साहब से कहा कि इतनी गर्मी में हमारा आना जाना अक्सर होता है शहर, चीज़ें लेने के लिए जाना पड़ता है, तो आप ग्लासेस मुझे लाजमी लेके दें। बाकी शहजाद साहब ने अभी अपना इंतज़ाम किया होता है ग्लासेस वगैरह मास्क और इसके अलावा कैप की होती है, लेकिन गर्मी से हम फिर भी नहीं बच पाते हैं, गर्मी की वजह से होता है सारा। अब ये क्या कहती है साहबजादी, रब्बा मेरे आप उधर छांव पे खड़ी हो जाए। ये दो टालियां हैं बड़ी सारी और मैं यहाँ पे वेट करती हूँ छांव में जी। अल्लाह ताला जो है ना जल्दी हमारी मुश्किल हल करेगा। क्या करें, जब पेमेंट आती है ना तो ज़रूरियात इतनी सारी होती है कि समझ नहीं आती कि हम क्या करें। या अल्लाह तेरा शुक्र है सांस ऐसे फूल गई है, गर्मी में खड़े होने की वजह से ना ऐसे सांस जो है ना फूल गई है और गर्मी की वजह से जो है ना वो अक्सर ऐसे होता है बात कर रहे होते हैं और साथ जो है ना सांस फूल जाती है। चलो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक हो गई है। और अभी जी हम क्या करने जा रहे हैं ये वैसे मैंने आपको बताया नहीं है, ये जाके बताते हैं। आज बस जो है ना कुछ ज़रूरी सामान आज जो हमारा बहुत ज़रूरी था वो हम लेने जा रहे हैं और बाइक माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत है। ये वही रास्ता डेंजरस है जो हमने पहले आपको बताया था और हम यहाँ से गिरने लगे थे। मोड़ बंद हो गई, अब क्या करें इसका। मुझे लगता है इस बाइक का जो ना करंट नहीं आ रहा जिस वजह से बार बार बंद हो जाती है। चलो खैर अल्लाह का खैर से हमें पहुँचाए, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक कोई शॉप नहीं है जहाँ से हम ठीक से करवा सके। जी माशाल्लाह से जी सफ़र हमने काफ़ी कर लिया लेकिन और अब मैं क्या कहूँ शहजाद साहब आपको, मैंने आज गलती की, वैसे मैंने आपके साथ नहीं आना था। अगर मुझे पता होता कि आप इतनी बेकार सी बाइक लेके जा रहे हैं। चलो बैठे अब शहर पहुँच जाएंगे। आप मेरे को मुद्दा किया आपने, हाँ जी उल्टा करने से ना देश के अंदर पेट्रोल बच्चा पड़ा होता है ना, हाँ जी एक साइड पर आ जाता है उससे फिर ये एक 3-4 किलोमीटर जो ये सुकून से चल लेती है। अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आसपास बस आबादी है।
अल्हम्दुलिल्लाह जी शहर हम जो है ना खैर खैरियत से पहुँच आ जाएँ। मोटरसाइकिल हमें तंग नहीं किया दोबारा, बस एक दो दफ़ा किया उसके बाद नहीं किया इसने। और यहाँ पर लगी हुई बेगम साहब आपको भूख, सब पहले अपने को कुछ खिला लेते हैं उसके बाद फिर आगे जो काम वो पूरा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी काफ़ी जद्दोजहद के बाद जी हम अपनी लोकेशन पर पहुँच गए हैं। और यहाँ पर हमने आप लोगों को दिखाने थे जी चार पाइयाँ, काफ़ी डिज़ाइन पड़े हुए खूबसूरत से, ठीक है। और जो हमारे घर में आप लोग गड़वंजी देखते हैं ना जिसके ऊपर हमने घड़े रखे हुए हैं, सेम यही चीज़ ऐसी है ना, और हमने यहीं से ली थी हमने। और ये भी माशाल्लाह काफ़ी प्यारी है और इसकी जाली लगी होती है उसके अंदर, कोई भी चीज़ हम रखें ना और वो सेफ होती है, उसको मेरे कोई उसका कोई डॉगी वगैरह कोई कैटो वगैरह नहीं आती, सेम ऐसी चीज़ बिल्कुल। और बाहर भी चार पहियाँ पड़ी हुई हैं और काफ़ी ये स्पेशल बनाते हैं और काफ़ी वजनी होती हैं और काफ़ी दूर से लोग आते हैं। और यहाँ पे जो आप लोगों को एक झूला दिखाते हैं, ये देखें जी एक ये झूला है, ये तो मतलब कि इस तरह का हमारे घर पड़ा भी हुआ है ऐसे ना, जो मतलब कि झूला भी यही से, हाँ झूला भी यही से गया था, मामू जो है ना यही से झूला क्योंकि वो लाहौर से आए थे। हाँ जी, और ये हमारे यहाँ काफी फेमस है, फेमस है बिल्कुल, ये वाले एरिया जो है ना, हाँ जी, मतलब लोहा जो है ना यहाँ से बड़ा अच्छी क्वालिटी का मिलता है। चार पाइयां वो तो हर बंदे की मतलब होता है ना, अगर कोई बंदा गरीब है हाँ जी तो उसके मुताबिक जो है ना फिर चीजें मतलब सस्ती भी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। और इस साइड पे भी चार पाइयां पड़ी हुई है जी, ये देखे, और कुछ मतलब कि तैयार हुई पड़ी हैं और कुछ रहती हैं और कुछ झूले वगैरह पड़े हुए हैं और वो आगे पता नहीं क्या पड़ा हुआ है। और ये चार भी अभी रहती है तैयार होने वाली। और इस साइड पे और भी सामान कुछ पड़ा हुआ है वो भी आप लोगों को दिखा, हाँ जी। और ये क्या चीज़ बनी हुई है, इसके अंदर मेरे ख्याल मिर्च मसाले रखे जाते हैं, हाँ जी, इस तरह इन्होंने अंदर गिलास वगैरह रखे हुए हैं, हाँ जी। और इसके ऊपर मेरे ख्याल घड़ा रखते हैं, हाँ ये वाला ये भी घड़े के लिए बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, और माशाल्लाह काफी है, हाँ जी बिल्कुल। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना ये वाला, इसके ऊपर मट्टी रखी जाती आटे वाली, और उतना उसका फ्रंट देखे कितना खूबसूरत बनाया गया है। और ये पड़े हैं जी पीढ़े, माशाल्लाह ये भी बड़े प्यारे हैं, ये देखे माशाल्लाह, एक निकाल के रखे यहाँ बाहर और बैठे ऊपर, ये स्टील वाला निकाले ये वाला, इसके ऊपर बैठे, ये किस तरह मतलब कि ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हाँ जी क्या कहते, ठीक है। तो अभी भाई जो ना वो नहीं है शॉप पे, वो कहीं निकल गए हैं बाहर, तो अभी जी उनको भी बुलवाते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को एक दिखाते हैं जी झूला पड़ा हुआ, वो ना इधर पीछे पड़ा हुआ है, मुझे यहाँ से गुजर के जाना पड़ेगा और आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये पीछे पड़ा हुआ झूला। बेगम साहब को ये वाला झूला पसंद था, कह रहे थे कि ये वाला ले लें, लेकिन ये वो महंगा बता रहा था, हमने फिर नहीं लिया। और ये जो पड़ी होगी ये इसके ऊपर पेटी रखी जाती है, कपड़ों वाली पेटी होती ना, और उसका फ्रंट देखा कितना खूबसूरत लगाया हुआ। और ये चार भी माशाल्लाह काफ़ी प्यारी हैं, ये वाली जो है ना आप मर मिट्टी, हाँ जी ये काफ़ी प्यारी चार पाई हैं जी। तो भाई आता है तो इनका रेट भी पूछते हैं, डबल है और देखिए बेड भी नहीं होगा, हाँ जी बिल्कुल, और बेड से भी ज़्यादा साइज है इसका, माशाल्लाह डिज़ाइनिंग की प्यारी दी है जी, और कैमरे पे काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन रियल आँखों से क्या ही बात है। हाँ मैं पहले वही बता रहा था कि बेगम साहब वो झूला पसंद कर गई थी। तो अभी भाई आते हैं जी उनसे, इनका भी रेट पूछते हैं कि इनका क्या रेट है, और इन चार भाइयों का भी रेट पूछते हैं कि क्या है। इसका वान जो है ना ये पैराशूट में लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ ये इसका वान जो है ना ये अच्छी क्वालिटी का लगाया हुआ है और ये नॉर्मल लगा हुआ है, बहुत कहते हैं ना कि जितना मतलब कि जितना गुड़ उतना मीठा, चले ये भी सही हो गया। तो आज इंशाल्लाह जी आप लोगों को ये दिखाने का मकसद यही है कि आप लोगों ने हमें बताना है कि हम ये वाले लें या ये वाले चार भाई लें, ठीक है, तो ताकि आप लोग कमेंट्स करें और हमें बताएं और उसके बाद हम परचेज़ करें, क्योंकि आप लोगों की राय ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर हम पहुँच आए हैं, तो ताला अक्सर हम नहीं लगा के जाते, हाँ जी अंदर जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं ना अंदर से गर्माइश निकलती है ऐसे ना, नहीं जाएंगे तो चले मुझे भी पानी पिलाएं और ख़ुद भी पानी पिएं, जल्दी ले आएं।
अभी पानी पी लेते हैं, थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं जी बच्चों को लेके आते हैं वापस। बच्चे छोड़ के आए थे उनकी दादी अम्मी के पास, उनको भी लेके आते हैं। सबसे पहले घड़े में सुना देते हैं शहजाद साहब को पानी, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि मुझसे बोला नहीं जा रहा, जाते हुए घड़ा भर गई थी और वैसे क्या वैसे ही पड़ा हुआ है। ये लें जी पानी, गर्मी बहुत ज़्यादा आई तो इधर कर मैं हवा देती हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह जी पानी वगैरह हमने पी लिया था और कुछ आराम भी कर लिया था, और अभी मैंने कहा कि अब्दुल हादी को और अब्दुल्ला को ना उनको ले आते घर, क्योंकि अब्दुल हादी को मस्जिद भी छोड़ना है और जल्दी भी ले आते हैं, और अभी मैं तकरीबन घर के पास आ चुका हूँ। अब्दुल हादी और अब्दुल्ला को मैं ले आए वापस, और तब इनकी कंडीशन दिखाने वाली नहीं थी, वहाँ पे खेल खेल के इन्होंने अपनी शक्लें और बाल बिगाड़ लिए थे नहा के। और यहाँ जैसे आए इनके मम्मा ने अभी नहीं लाया और कंघी वगैरह की और कपड़े चेंज किए, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा देते, पंखा लगा दिए क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, और गर्मी की वजह से हमारी वो चारवी उधर पड़ी क्योंकि हम दिन को चारवी वहाँ पर रखते हैं और वहाँ से फिर ठंडी हवा पड़ती है। तो अभी हांडी रोटी करते हैं जी, टाइम हो चुका है जी 6 बज चुके हैं, और हांडी रोटी आज क्या करनी है आपने? दाल और बनाएंगे। दाल कौन सी बनानी? दाल मूंगी की छिलकों वाली। छिलकों वाली मूंगी की दाल, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? क्या कर रहे हो? आज मैं बना रही हूँ जो कि पहले मैंने बताया शहजाद साहब को, छिलकों वाली जो मूंगी की दाल होती है ना वो वाली बना रहे हैं। और शहजाद साहब पता क्या कह रहे हैं? हाँ जी बोलो। कितने सालों बाद आप खा रहे हैं ये दाल? मैं तकरीबन जो है ना ज्यादा नहीं तो 8 साल बाद खा रहा हूँ। 8 साल बाद? हाँ जी। अच्छा, हम जब से यहाँ पे आए तो बस ये हमने कभी भी नहीं बनाई छिलकों के बगैर। और ना आजकल दुकानों पे, अगर मैं छोटी दुकानों में बात बताऊँ ना, तो वो जिजन की रख के बैठ, बिल्कुल जो ये जमतर नहीं खड़ा है ना इसकी दाल, क्योंकि ये और वो सेम है, सेम होते हैं। और ऐसी मतलब जो है ना दुकानों में इतनी ईमानदारी, बिल्कुल। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक मिनट ये देखें जी, अभी आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ, डेमो दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये एक तोड़ा और ये एक तोड़ा, तो आपने बताना कि आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है छोटी दुकानों पे ना लोग ऐसा करते हैं, बिल्कुल। अभी ये देखिए इसमें फर्क नहीं होगा, बस ये थोड़ी सी बारीक होगी, बारीक होगी। अगर इस बीज को भिगो के रखा जाए ना तो ऐसे ही मतलब जैसे इसके छिलके उतर गए ना, मतलब मोटा मोटा दाना हो जाएगा इसका, और इसका सेम हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी ईमानदारी होगी आजकल इतनी ज्यादा। चले आप जल्दी से बना ले ताकि शाम होने से पहले पहले जाना बन जाओ। और आज मौसम देखे कितना प्यारा माशाल्लाह, और हमारे घर का व्यू देखे माशाल्लाह। आप इसे प्यारा कह रहे हैं? हाँ जी। मैं जब से शहर से वापस आई ना मेरे सर की दर्द नहीं उतर रही सही। हाँ जी, गर्मी, गर्मी इतनी शदीद थी ना, ऐसा लग रहा जैसे मेरी आंखें सूज गई हैं। और अब्दुल्ला कभी अपनी गाड़ी पकड़ लेता है और कभी भाई की पकड़ लेता है, और हमारी फुटे जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखे। और भी लग रही हैं, ये देखे माशाल्लाह ये देखे, और इधर भी लगी खड़ी है छोटी छोटी, ये देखे। माशाल्लाह जी दाल हमारी तैयार हो चुकी है, और शाम भी होने वाली, बस शाम हो चुकी तकरीबन, होने क्या वाली है। और यहाँ पे बेगम साहब ने तंदूर भी जला लिया और तंदूर रेड भी हो चुका है। माशाल्लाह जी तंदूर हमारा तैयार हो चुका है और शाम भी हो चुकी है। अब देखें पहले नहीं हुई थी, अब शाम हो चुकी है। और हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह आज अंधेरा होने से पहले पहले जो शहर गए चले थे और फिर वापसी पे
हाँ। और आप सब ने हमें ये कमेंट्स लाजमी करना है कि हम चार पे जो ना वो जिसकी बैक साइड पे ढो बनी हुई थी ना, मतलब कि बैक साइड जिसकी बनी हुई थी फ्रेम बनवा था वो ले हाँ जी। मेरा माइंड जो है ना दरअसल चार पहियों की तरफ चला गया। हाँ जी। और आटे एक चीज दिल को भा जाते हैं। बेगम साहब ने पानी में डुबोना था और हाथ इधर लगा दिया आटे में, और वो मतलब कि जिसका फ्रेम बना है वो लें या सादी लें आप लोगों ने बताना है। और जिसका फ्रेम बना हुआ था ना वो उतर भी जाता है, अगर आप बाहर रखें तो मतलब फ्रेम उतार दें, अंदर रखें तो फ्रेम लगाएं और वो बेड बन जाएगा आपका। और अभी रोटी लगी नहीं, और अब्दुल्ला कहता है मुझे रोटी दे दे। ये देख पहली रोटी आपकी है, पहली रोटी आपकी है, पहली रोटी आपकी। और अब्दुल हादी के काम चेक कर। अल्हम्दुलिल्लाह जी रोटी हमारी पहली जो है वो तैयार हो चुकी है, ये देखिए। और ये सबसे पहली रोटी हुई है अब्दुल्ला की तैयार। अब्दुल्ला आपकी रोटी तैयार हुई है? अब्दुल्ला आपकी हुई तैयार? हाँ जी, मतलब रोटी जल्दी नहीं लगी। मैं आपको कच्ची रोटी दे दूँ? हाँ जी। अब्दुल्ला की रोटी है कि अब्दुल हादी की? अब्दुल्ला की है, ये अब्दुल्ला की रोटी है। अब्दुल्ला की दो रोटी, एक भाई की और एक। हाँ जी माशाल्लाह, ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना हमारा तैयार है। और अभी जी खाना खाते हैं, बच्चे जो है ना वो सो गए, लाइट जो है ना पहले चली गई थी इसलिए हमने वो लॉक एंड भी नहीं किया। और अक्सर मैं कहती हूँ कि जब लाइट चले जाती है ना फिर शहजाद साहब खाना भी नहीं खाते, भले कितनी देर हो जाए। लाइट जो है ना अभी अभी आई, आज मंडे था और आज वैसे भी सारा दिन लाइट नहीं थी और 3 बजे आई है, उसके बाद शाम को फिर चली गई थी। अभी लाइट आई तो हमने ब्लॉक एंड भी कर देते हैं। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्यारी इस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।